गाइस मैंने भाई के हमारे साथ करने से मैंने पहले बताया था, तो माल तो मुझे बहुत कुछ मिला है जो भी मैं दिखा नहीं सकती। रश्मि देखो गाइस आज वेलकम है आप सभी का रश्मि चौधरी के ब्लॉग में। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं नहा चुकी हूँ, मेरी पूजा भी हो गई है। थोड़ा थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि मैं थोड़ी थोड़ी लाइन पे आ रही हूँ, सुधर रही हूँ घर पे आके टाइम से उठने लगी, नहीं तो मेरी मॉर्निंग होती है 12 बजे जाके और 1 बजे जाके मेरा ब्रेकफास्ट होता है। बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, दिन पूरा यूँ ही निकल जाता है, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं अपना टाइम सेट कर रही हूँ और बस अभी जाती हूँ अपने लिए चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ एंड उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं बाद में। यहाँ पे बन रहा है साबूदाना, हालांकि किसी का फास्ट नहीं है, बस ऐसे ही बना रहे हैं खाने के लिए क्योंकि सबको पसंद है घर में। और यहाँ पे देखो पूरा टाइम ऐसे सेटअप करके बैठा रहता है, कोई तो प्रमोशन की वीडियो बना रहा है और देखो हमारे पापा यहाँ पे धनिया साफ कर रहे हैं। पापा क्या किचन में लगे, हर टाइम देखो किचन के काम में लगे रहते हो। और गाइस मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। हाय रब्बा, तो देखिए गाइस पूरा ऐसा यहाँ पे कोहरा कोहरा सा हो रहा है, अभी तो 12:30 बज रहा है तो ये हाल है। The next day. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियाँ खूब जोरों शोरों से चल रही होंगी, शॉपिंग चल रही होगी। लेकिन गाइस मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है 2 दिन से और मम्मी की हालत तो आपने देखी ही होगी हर व्लॉग में, बस सर बांधे रहती है। तो दिवाली से पहले इसीलिए मैं आई थी कि ताकि मैं घर के सारे काम सारी सफाइयाँ जो भी शॉपिंग हुई सब मैं अच्छे से कर पाऊँगी, लेकिन मैं खुद आके पड़ गई हूँ यहाँ पे तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरी हालत भी देख रही होंगी कैसी हो गई हूँ मैं 2 दिन में इसलिए मेरा कल भी ब्लॉग नहीं आया था। तो बस थोड़ी सी हिम्मत कर रही हूँ अगर कर पाऊँ तो मैं अभी यहाँ पर भाई की अलमारी है, सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा सा सफाई मतलब उसकी थोड़ी सफाई कर दूँ, अलमारी को कपड़ा सेट कर दूँ, बस ट्राई करती हूँ पॉसिबल हो पाता है तो, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, कल से बहुत प्रॉब्लम मुझे हो रही है। चलो ट्राई करते हैं क्योंकि इसका पता नहीं कब तक चलेगा, क्या है कैसे है, तो बस कोशिश करते हैं कि हम इसी में काम कर पाए, बाकी तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो चलिए पहले हम अलमारी सेट कर लेते हैं फिर मिलते हैं। एंड गाइस आपको मैं दिखाती हूँ अपने भाई की अलमारी कि ये कैसे रखता है। सो देखिए इस तरीके से भाई साहब ने अलमारी पूरा फैला के रखा हुआ है। एंड जब मैं ट्राई करूंगी उसके बाद में दिखाऊंगी कि मैं कैसे रखती हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद वापस दिखाऊंगी, 2 दिन के बाद बहुत ज्यादा हो गया, मैं कल ही दिखाऊंगी कि इन्होंने वापस अलमारी का चेंज कर दिया। लाइक कुछ लड़के लोग कैसे होते हैं कि मतलब वो अपनी अलमारी को ठीक से रख पाते हैं, उनमें से मेरे दोनों भाई भी हैं, खासकर मेरा छोटा भाई। तू यहां पहले बांध कर दे। मैं अभी दिखा कैसे कपड़े निकाल के फेंकी हूँ, सो अगर मैं पूरा दिखाऊंगी बहुत टाइम लग जाएगा, तो पहले मैं अलमारी लगा लेती हूँ और तो गाइज मैंने भाई के हमारे साथ करने से मैंने पहले बताया था, तो माल तो मुझे बहुत कुछ मिला है जो भी मैं दिखा नहीं सकती लेकिन
की सबसे बड़ा माल मुझे ये मिला है, तिजोरी। हम कुछ है भी या खा लिया है? वो तो पता नहीं, क्योंकि ताला लगा हुआ है। थोड़ा पास में लेके आओ जरा। तो देखिए गाइस, ये ताला लगा हुआ है इसमें। अब थोड़ा दूर ले जाओ। अब वही ले जाओ गाइस। मैं ना मेरी मम्मी से शूट करा रही, उनको आता नहीं इसलिए थोड़ा मुझे बताना पड़ रहा है। तो किसके घर में ऐसी तिजोरी मिलती है और इतना मोटा ताला लगा हुआ है, इसके अंदर क्या है ये नहीं पता। तोड़ो, आज ही चेक करो, तोड़ के चेक करो भाई, कुछ खा लिया है, कुछ है भी। और ये हमारे पापा को और भाई को क्या आदत है कबाड़ रखने की। फालतू सामान है, फेंकते ही नहीं है भाई। कचड़ा से बहुत प्यार है। औलाद गई, बच्चे गए बाप पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? माँ पे बेटी है बस। माँ पे बेटी है, बेटा नहीं है। तो चलो, अब इसका तो पता नहीं, अब मैं आपको क्या बताऊँ इसमें क्या है। अभी राज राज ही रहेगा कि क्या है इसमें, क्योंकि चाबी हमको मिलने से रही। तो ये जो भी है हमारे बड़े भाई साहब का है, इसमें पता नहीं कितना माल है। काश में काल तोड़ते ये लोग चले जाएं बाहर, तब तोड़ेंगे। नहीं फिर मैं तोड़ूंगी, मेरी गर्दन कट तो मैं तोड़ूंगी मैं। तो चलिए गाइस, अब ये तो राज का राज रहेगा। आप भी सोचना कि इसमें क्या हो सकता है। अगर समझ में आ जाए तो बता देना, कमेंट कर देना। तो चलिए मैं पहले अलमारी साफ कर लूंगी, फटाफट हिम्मत होने रही है मेरे से बहुत जबरदस्ती। तो आज ना करती आज तबीयत तो डाउन है भाई। काम सारा पड़ा है, पूरी सफाई पड़ी है बेटा। चलिए पहले मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, अभी आज सिर्फ एक ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, बाकी फिर कल देखते हैं। चलिए फिर अलमारी सेट करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे सेट करती हूँ और फिर कल कैसे मिलने वाली है। फिर कल को वो ही मिलेगी। मैंने अभी तो करी थी नवरात्रि में। तो चलिए अभी पहले बस ये बाकी है, बाकी बात करते हैं। गाइस अलमारी सेट हो गई है और आपने देखा ही होगा कि अलमारी मुझे क्या लकड़ी की तिजोरी मिली है, जो कि जिस पर ताला लगा हुआ है, जो मुझे कुछ नहीं पता कि उसमें क्या है। एंड और भी बहुत सारे सामान मिले थे मुझे जो मैं नहीं दिखा सकती। सो इसलिए कहते हैं कि कभी ना किसी के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाह रही थी, ये कौन कहता है कि लड़कों के पास कपड़े नहीं होते हैं। ये देखिए, ये हमारे भाई के कपड़े हैं इतने। जो लगेज है बेड के अंदर वो अलग है। तो प्लीज़ आपको ये मत बोलना कि लड़कों के पास ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, सिर्फ लड़कियों के पास कपड़े होते हैं। तो अभी आपने देख ही लिया है कि एक बंदे के कितने कपड़े हैं। ये तो अलमारी में है, जो अंदर है वो अलग है। तो कपड़े सब रखते हैं, सिर्फ लड़कियाँ नहीं। लड़कियों को फालतू में तुम सब ने बदनाम कर रखा कि लड़कियाँ शॉपिंग करती रहती हैं, लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। कपड़े सब बहुत रखते हैं। मेरे भाई को मेरे से ज़्यादा शौक है। जब इतने कपड़े मेरे पास नहीं मिलेंगे जितने मेरे बड़े भाई के पास मिलेंगे। देखो तो चलिए अभी बस अलमारी तो सेट हो गई है, जैसे तैसे कर लिया है मैंने। बहुत दिक्कत हो रही है जो भी है, बट काम है, करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी से होता नहीं है। अभी देखते हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए बस अभी और देखते हैं अभी और क्या कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सब लोग की मीटिंग चल रही है। ये देखिए हमारे घर में कपड़ों के ही कपड़ों का काम है बस। और साइड वाला ना सब बिजी है अपने, तो सब बहुत बिजी है बातों में और मैं यहाँ पे काम में लगी पड़ी हूँ। क्यों होता है सब? भगवान जी से मैं बहुत प्रे करती हूँ, भगवान जी अगले जन्म में मुझे लड़की मत बनाना, लड़का बनाना। मुझे लड़की नहीं बनना था, क्यों बना दिया। तो चलिए गाइस अभी बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरी हालत देखो ना क्या हो गई है। यहाँ पे तो दिवाली का माहौल होने लग गया है, पूरे में लाइटें हो चुकी हैं। अभी तो बहुत बाकी हैं जो कि शायद एक दिन में पूरी लाइटें लग जाएंगी।
काफ़ी लाइटें तो हो चुकी हैं बस, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं लगी हैं अभी तक, क्योंकि सब बिजी हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में। देखते हैं अभी एक दो दिन में कोई लगाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ही ट्राई करेंगे। चलो बच्चों हम बना लें खाना, और सब्जी तो हमने शाम को ही बना ली थी, अब सिर्फ खाना बनाना है। क्या आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, पसंद नहीं है क्या? पसंद है। पराठा बनाओ रोटी बनाओ, पराठा बनाओ। चलो जी पराठा बना दूंगी, तो पराठे में थक जाऊंगी पर मैं। जी कौन से ब्रांड है? पता नहीं, नई डिजाइन की ब्रेड तो मैंने आज ही देखी है। रश्मि देखो गाइस, आज रश्मि की तबीयत खराब, देख कैसी डाउन हो रही है। रश्मि खड़ी हो बेटा, खड़ी हो जा, दूध ले ले, गुड नाइट करो। गाइस आज मुझे ये करनी पड़ती थी क्या, गुड नाइट? देखो खांसी भी हो रही है। नहीं खड़ी हो बेटी, खड़ी रश्मा, खड़ी गुड नाइट करो। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सॉरी आज मैं ज़्यादा कुछ भी शूट कर नहीं पाई हूँ, ये ब्लॉग मेरा दो दिन का है, दो दिन में छोटा मोटा शूट कर पाई थी जिसमें से ज़्यादा तो मम्मी ने किया है, क्योंकि मम्मी से नहीं हो पाता है, वो क्या बोलती है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग ठीक लगा हो, आई नो इतना कुछ खास है नहीं, बट फिर भी अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उम्मीद करती हूँ कि कल अगर तबीयत थोड़ा ठीक रही तो कल मैं कुछ अच्छा आप सबको दिखा पाऊँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।